Today's topic for the discussion is the University Waits, remaining dramatist of the University Waits. So, सबसे पहले हमारे पास University Waits में से Thomas Kidd है कि Thomas Kidd कौन था, उसका क्या काम था. जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन था, लिली था, फिर Thomas Kidd है. Thomas Kidd की जो ड्यूरेशन है 1558 में ये पैदा हुआ है. और Thomas Kidd को जो श्योरिटी मिली थी, फेम मिला था, वो मिला था द स्पेनिश ट्रेजिडी, उसका एक ड्रामा था. उस ड्रामा की वजह से जो Thomas Kidd है, Thomas Kidd को कह सकते हैं कि उसे फेम मिला था. उस स्पेनिश ट्रेजिडी को बहुत सी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था. डिफरेंट लैंग्वेजेस, यूरोपियन जो लैंग्वेजेस थी उनमें उसकी ट्रांसलेशन की गई थी. फिर Thomas Kidd जो था, उसने अपने ड्रामा में ब्लड एंड थंडर का एक एलिमेंट है, स्टाइल भी कह सकते हैं, थीम भी कह सकते हैं, उसको उसने इंट्रोड्यूस किया था. Thomas Kidd के बाद रॉबर्ट ग्रीन देखते हैं. रॉबर्ट ग्रीन जो है 1560 से 1592 तक, रॉबर्ट ग्रीन की जो है आप कह सकते हैं, रॉबर्ट ग्रीन की ड्यूरेशन है. रॉबर्ट ग्रीन जो है, रॉबर्ट ग्रीन में ने सबसे पहले जो वर्क लिखा था, और लैंडो फ्रेसियो उसका पहला ड्रामा था, आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ड्रामाज में से हैं. फिर फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे उसका वो ड्रामा था जिसको उस जिन ड्रामाज की वजह से उसे मकबूलियत मिली थी. आप कह सकते हैं कि वो उसके बड़े इफेक्टिव प्लेस थे, उन्हीं प्लेस की वजह से उसको जाना जाता है. और जो ये प्लेस हैं, लव स्टोरी थी बिटवीन टू मैन एंड मेड, कि उसका जो थीम था, किस ड्रामा का थीम था, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे का जो थीम था, वो थीम लव स्टोरी के डिपेंड करता था. लव स्टोरी थी दो आदमियों के दरमियान और मेड के दरमियान. फिर उसके बाद उसका अगला वर्क देखते हैं, एल्फोंसिस किंग ऑफ एरागॉन, वो ड्रामा उसने पब्लिश किया था. फिर उसने जॉर्ज अग्रीन के नाम से एक ड्रामा पब्लिश किया था. ये उसके वो वर्क हैं जिसकी वजह से आज भी उसको पढ़ा जाता है या यूनिवर्सिटी विट्स में उसकी मकबूलियत हुई थी. लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम देखें रॉबर्ट ग्रीन के वर्क को, तो फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे के नाम के ड्रामास की वजह से ही उसकी शोहरत मिली थी उसको. फिर हमारे पास आखिरी आ जाता है यूनिवर्सिटी विट्स में से, क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो वो शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा जो पीक पे गया यूनिवर्सिटी विट्स में से, वो क्रिस्टोफर मार्लो था. क्रिस्टोफर मार्लो 1564 में पैदा हो रहे हैं और 1593 में क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ हो गई है. क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ने से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्रिस्टोफर मार्लो के रेलिवेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ सकती हैं. सबसे पहले ये जानना है कि क्रिस्टोफर मार्लो जो था, उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामाज हैं. टिम्बरलेन है, 1587 में उसने ये ड्रामा पब्लिश किया था, और ब्लैंक वर्स उसके लिखने की क्वालिटी थी, उसने उस क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करवाया था. अगर क्रिस्टोफर मार्लो में के एलिमेंट कुछ भी आ जाता है, तो ब्लैंक वर्स क्वालिटी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ब्लैंक वर्स लिख सकते हैं. जू ऑफ माल्टा उसका ड्रामा था, डॉक्टर फॉस्टस उसका ड्रामा था, और आखिरी जो उसका वर्क था वो एडवर्ड टू था. उसके बाद उसने ड्रामास पब्लिश नहीं किए थे. फिर हम क्रिस्टोफर मार्लो के स्टाइल पे आ जाते हैं. क्रिस्टोफर मार्लो ने ड्रामा की यूनिटी बयान की थी. यूनिटी मींस के उनमें उसके यूनिटीज़ को फॉलो किया था. फिर उसके बाद पोएटिक ग्लो पे उसने काम किया था, उसके स्टाइल को आप कह सकते हैं. फिर उसको एक टाइटल दिया गया था क्रिस्टोफर मार्लो को, वो टाइटल था द फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री. ये उसको एक टाइटल दिया गया था. फिर उसके बाद जो क्रिस्टोफर मार्लो ने जो भी लिखा है, वो हम ये कंसिडर कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ट्रेजिडीज लिखी हैं. तो क्रिस्टोफर मार्लो के रेलिवेंट अच्छे तरीके से तैयार करने हैं. फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स में हो या कुछ और हो, जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिख रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स ने चीज़ों को पॉइंट में नहीं लिखना होता, उन्होंने पैराग्राफ में लिखना होता है. और मिनिमम दो पेजेस होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए.